Welcome to Banaras, the oldest living city in the world. वैसे वाराणसी को लोग बनारस और काशी भी कहते हैं। बनारस के घाट में जहां लोगों को शांति मिलती है, वहीं काशी विश्वनाथ के दर्शन करके मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो मैं हिमानी और मेरी दोस्त निहारिका दिल्ली से ट्रेन लेकर पहुंच गए वाराणसी, और वाराणसी में हमारे 3 दिन कैसे रहे, आइए साथ मिलकर देखते हैं। हाँ जी, तो हम काशी पहुंच गए हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हमने चेक इन कर लिया है हमारे होटल में, विच इज पोस्टल वीएनएस, और वाराणसी में दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो मैंने इसे देखी थी, तो मुझे ऐसा लगा था बहुत ही मिनिमल और एस्थेटिक और हमारे वाइब की है, तो इसको बुक किया है हमने फॉर 3 नाइट्स। आपको फटाफट से दिखा देती हूँ, उसके बाद ना थोड़ा फ्रेश हो रहा है, क्योंकि सुबह 4:30 बजे मैं घर से निकली, मैं नहाई भी नहीं थी, बहुत ठंड थी, सर्दी थी, तो मैं आपको फटाफट से पहले रूम टूर दे देती हूँ। हमारा काफ़ी बड़ा, कौन सा रूम है इनका, ये स्टूडियो रूम है, दिस इज़ द एंट्रेंस, एंड तो निहारिका है अपनी लड़की ये नहीं है, ये यहाँ नहीं मिलेगी आपको, ये आपको बॉर्डर्स पे मिलेगी। बाय द वे, ये यहाँ पे एक शेल्फ जैसा है, ओपन शेल्फ, जहाँ पे आप अपने कपड़े वपड़े रख सकते हो। दिस इज़ अ सिटिंग लिविंग काइंड ऑफ अ रूम, यहाँ पे टीवी है, मिरर, यहाँ पे बैठ के कुछ खाना पीना हो तो टेबल, एंड अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे किचनेट भी है, सो बेसिक कुछ आपको अगर बनाना है, पैन वैन भी रखा हुआ है यहाँ पे, रेफ्रिजरेटर भी है, तो आप थोड़ा लंबा रुक रहे हो, कुछ थोड़ा बहुत बनाना है तो बना सकते हो। दिस बेड काफ़ी बड़ा किंग साइज बेड है, और दिस वॉशरूम, तो बढ़िया, सही, अच्छा लगा हमें तो रूम, नाइस। अभी फटाफट से थोड़ा चेंज वेंज करते हैं, फ्रेश होती हूँ, उसके बाद क्या प्लान है वो आपको बताएं, क्योंकि अभी हमने कुछ नहीं सोचा है, हम क्योंकि 3 दिन के लिए हैं, तो मस्त घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे, बट अभी के लिए लेट मी जस्ट गो एंड चेंज एंड शावर एंड एवरीथिंग। या हाँ जी गाइस, तो हम नहा धोकर मस्त रेडी हो गए, फ्रेश हो गए, अब हम निकल रहे हैं टू एक्सप्लोर द सिटी, मतलब नॉट एक्सप्लोर बट हम थोड़ा सा रेकी करने निकल रहे हैं कि हम देखते हैं, थोड़ी सी वाइब लेते हैं काशी की, और यहाँ से क्योंकि 4 किलोमीटर है हमारी प्रॉपर्टी से, तो वी विल टेक टुक टुक ऑटो यहाँ से लेते हैं, और जा रहे हैं हम ओल्ड सिटी की तरफ। लेट्स गो, कितना बोला भैया ना, अच्छा भाई, ओके लेट्स गो। ठंड ऐसे इतनी नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी अभी लगेगी। हाँ मुझे लग रहा है वहाँ लगेगी, ओपन में हमने पानी के पास भी तो हवा चलती है। हाँ हमने यहाँ पे तो सोचा यहाँ के हिसाब से, पर हम बड़ा फैशन फूड भैया, हमें काशी चाट भंडार के पास उतार देना, वहाँ से फिर हम अंदर, उससे पहले नहीं, हमको बोट अभी नहीं लेना, हमको कुछ खाना है, इसलिए हम काशी बोल रहे हैं। हाँ अरे भैया ज्यादा, वहाँ तक नहीं जाता, देखते हैं, चलिए हाँ ठीक है। आरती हो गई है दशाश्वमेध घाट की, हमने आरती अटेंड कर ली, नहीं सोचा था कि आज ही हमें आरती के दर्शन हो जाएंगे, हम आए और बस अभी शुरू हो रही थी आरती, और बहुत अच्छे से आरती देख ली हमने। अभी हम जस्ट ऐसे ही घाट पे थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं और घूमते फिरते देखते हैं, विल हैव समथिंग, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे निक नैक्स कुछ कुछ खाते हैं, कचौड़ी वाले और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे रैंडम मिल रही है, तो वो हम थोड़ा खाते पीते और थोड़ा वॉक करते हैं, मतलब फील ले रहे हैं आज हम बनारस की। और उसके बाद क्योंकि कल सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग 5 बजे ना बोट राइड लेने वाले हैं, हम अस्सी घाट की आरती देखेंगे, सब प्लान है हमारे, तो बस आज हम थोड़ा सा वाइब ले रहे हैं और वॉक कर रहे हैं। हाँ
हाँ जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग. इट्स डे टू हेयर इन काशी. एंड आज हम थोड़ा सा लेट हो गए सुबह उठने में और रेडी होने में, पर वी आर लीविंग आवर स्टे विच इज़ पोस्टल वीएनएस. और यहाँ से हम आज काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए सबसे पहले वही करेंगे. तो बस रेडी हो गए हैं, पूरा तैयार व्यार होके नाउ वी आर लीविंग. एंड हेलो, दोनों एथनिक वेयर में आ चुके हैं. 500 मीटर पहले जाएगा मैडम जी. हाँ पता है, ठीक है. तो चलो, तो जी हम आ गए हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर वाले रास्ते में. ऑटो आपको चौक तक ही उतारता है, उसके बाद आपको पैदल चल के अंदर जाना था. बहुत सारे रिक्शे हैं, अगर आप नहीं चल सकते तो आपको मंदिर के गेट तक छोड़ देंगे, पर हम पैदल जा रहे हैं. अभी आपको कह रही थी, आप ऑनलाइन ले सकते हो मंदिर से. जस्ट पहले यहाँ पे काउंटर है जहाँ से आप टिकट ले सकते हो. तो अगर आपने आपको ऑनलाइन नहीं लेना तो यहाँ के डायरेक्टली भी ले सकते हो. अभी लाइन नहीं पता कितनी लंबी है, पर रश बहुत ज़्यादा है. तो हम सोच रहे हैं ले ही लेते हैं. 300 रुपये की सुगम दर्शन की लाइन है. ये भी ज़्यादा ही होने वाली है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, ये ले लेते हैं हम. तो यहाँ बाहर लॉकर में हम सारा सामान यहाँ पे रख रहे हैं, और क्योंकि अंदर सिर्फ मोबाइल रखने का लॉकर है, ये हम यहाँ पे रख के तो उसके बाद जा रहे हैं. ये सामने मंदिर. यहाँ पे मोबाइल जमाने करने का है, और इधर सामने मंदिर का द्वार है. तो अब हम मोबाइल और पर्स जो भी है सब यहाँ पे जमा कर रहे हैं. हाँ जी, तो हमारे दर्शन हो गए काशी विश्वनाथ के बहुत अच्छे से. बस आरती क्योंकि शुरू ही होने वाली थी, और हमें आरती वाला पास नहीं लिया था, हमने सिर्फ दर्शन वाला लिया था. तो हमने दर्शन कर लिए. ये महाकाल का मंदिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ध्वजा, तो दर्शन कर लीजिए आप भी. और बहुत अच्छे से, मतलब क्योंकि हम थोड़ी देर खड़े रह पाए बिकॉज आरती की तैयारी हो रही थी, अभिषेक हो रहा था, वो हमने होते हुए देखा. तो आई एम ग्रेटफुल कि हमें उस टाइम पे हम एग्जैक्ट पहुँचे जब सारा अभिषेक चल रहा था, वहाँ पे मंदिर में पूरी तैयारियाँ चल रही थी. तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए और बहुत अच्छा लग रहा है. और अब हल्की हल्की धूप भी निकल गई है, तो बस अब हम घाट की सैर करेंगे, घाट घूमेंगे, आपको घाट दिखाते हैं चल के. तो बस चलिए बाहर चलते हैं. मंदिर से बैग ले लिया, फ़ोन ले लिया हमारा, तभी रिकॉर्ड कर पा रही हूँ. अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, यहाँ पर बाहर निःशुल्क आप लॉकर में आके रख सकते हैं फ़ोन, आपके जूते चप्पल सब कुछ आप यहाँ पर रख सकते हैं. और उसके बाद आप अंदर लाइन लगा के, जनरल की लाइन है, उसमें भी थोड़ी भीड़ है. मैं दिखाती हूँ कितनी भीड़ है. बस मंदिर से दर्शन करने के बाद हम अपनी दूसरी जगह पे खाने के लिए आ गए हैं, मतलब वाराणसी में, विच इज़ राम बहार मिष्ठान भंडार. वहाँ की पूरी और सब्जी लुक्स यम. और मैंने एक बाइट ऑलरेडी खा लिया है, मुझे बड़ा मस्त लग रहा है. इसकी सब्जी का जो फ्लेवर है ये क्या है, मैं पूछूंगी अभी इनसे, पर बहुत अच्छा है, बहुत बहुत टेस्टी है. साथ में जलेबी भी है, जलेबी थोड़ी ठंडी है, बट पूरी सब्जी यही. दोस्तों अ वेरी गुड मॉर्निंग, और सुबह के बज रहे हैं 5:30, और हम आ गए हैं 80 घाट में गंगा आरती देखने के लिए. सो वी वोक अप अराउंड 4 in the morning एंड वी गॉट रेडी. और अभी अंधेरा है, काफ़ी डार्क लग रहा होगा आपको, बट अभी बस हम घाट की तरफ जा रहे हैं. काफ़ी फॉग भी था तो इसलिए ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, बट लेट्स गो. और काफ़ी ज़्यादा हम एक्साइटेड हैं उसी गंगा आरती 80 घाट. आरती हो चुकी है, और मैंने ऐसे मॉर्निंग वाली आरती कभी ऋषिकेश में भी नहीं अटेंड की थी. तो दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने गंगा घाट पे सुबह 5:30 बजे सूर्योदय के साथ आरती देखी. और नहीं बता सकती शब्दों में आपको ये फील करने के लिए, खुद को एक बार जब भी आप बनारस आओ तो आप इस सुबह की आरती 80 घाट में ज़रूर एक्सपीरियंस करना. और ये मैजिकल इस एनर्जी ही अलग है बिल्कुल, मतलब वो मैं ऐसा शब्दों में नहीं बयां कर सकती. तो बस अभी आरती कर ली है, अब हमने आरती ले भी ली, प्रसाद ले लिया, अब हम बोट राइड पे जा रहे हैं. देखते हैं क्योंकि आज फॉग बहुत ज़्यादा है, तो हमें लग नहीं रहा है कि हमें जो बर्ड्स वगैरह दिखती है बोट राइड पे वो दिखेंगी,
बट वी आर टेकिंग द चांस और हम जा रहे हैं घाट की तरफ. सो बनारस में आप आए तो द बेस्ट पार्ट सिटी का ये है कि यहाँ पे अ प्लेस टू स्लीप एंड अ प्लेस टू ईट, इन चीज़ों की दिक्कत नहीं है. कोई किसी को भी लाइफ में डिफ़िकल्टीज है बनारस आ जाए एंड देन द सॉल्यूशन इज़ देयर. उनको रहने के लिए घर मिल जाएगा, खाने के लिए खाना मिल जाएगा, तो उनको लाइफ में डिफ़िकल्टीज नहीं आती है. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारे काशी में बहुत सारे होमलेस पीपल हैं बिकॉज लाइफ इज़ वेरी इजी फॉर देम. और ये ऐसा नहीं कि कोई NGO है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो करता है, हम आप ही में से ही कोई एक रहता है. आप कहीं देखेंगे तो आपके मन में आएगा अरे यार इसको कुछ करना चाहिए. तो आप पास करेंगे तो आपके मन में हम आप मिल करके ही ये चीज़ें करते हैं, वो चल रहा है. अदरवाइज ऐसा कोई स्पेशल नहीं है. कुछ जगहें हैं जहाँ पे देर आर प्लेसेस लाइक अन्नपूर्णा टेम्पल है, वहाँ पे फ्री में खाना दिन भर मिलता है. खिचड़िया बाबा है, वहाँ पे खिचड़ी मिलता है. तो देर आर डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट टाइमिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं कि उनको यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है. यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिलता है. हर एक सिटी की स्पेशलिटी है. सम हाउ यू विल गेट इट. आपको मदद की ज़रूरत है किसी ना किसी तरीके से वो आपको मिल जाएगी. बोट राइड हमें लग रहा था कि फॉग की वजह से नहीं हो पाएगी, बट बहुत अच्छी रही. बहुत सारे बर्ड्स भी आ गए थे और बहुत अच्छा लगा. हमने बहुत सारी तस्वीरें ली है, उसको आपको देखने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना पड़ेगा. एंड सेकंड थिंग, हम पहुंच गए मीर घाट. 80 घाट से मीर घाट पहुँच गए. वैसे आप लोगों को नहीं पता तो बता दूँ मैं कि बनारस में 80 घाट है, मतलब हाँ टोटल 80 घाट्स. और अभी हम मीर घाट आए हैं. यहाँ से हम हेरिटेज ऐसे ओल्ड सिटी पर वॉक करेंगे. गुप्त काशी, हिडन वाराणसी. अच्छा, हिडन वाराणसी देखेंगे. और मैं आपको मिलवा देती हूँ अमन से. अमन, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ. हाय, मेरा नाम अमन है, मैं वाराणसी से हूँ, लोकल टूर गाइड. तो बनारस के लिए एक चीज़ बोलना चाहेंगे, कोई भी अगर बनारस आता है, इट्स नॉट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन कि आप जहाँ आते हैं घूमते हैं. आप काशी अगर आइए तो इट्स अ प्लेस टू फील. इस सिटी को महसूस करिए, फील करिए, एंड देन तब जो आपको मज़ा आएगा थोड़ा अलग रहेगा. और ज़रूर से गंगा घाट पे आइए तो बोट राइड करिए, और अगर पॉसिबल हो तो गंगा स्नान भी करिए, जो कि काशी में लोग आते हैं तो करते हैं. उसके बाद आप काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए. तो अभी हम चलेंगे पुरानी काशी देखेंगे, जो हमारे पुराने हिडन मंदिर्स हैं जो लोगों को नहीं मालूम, गूगल पे भी नहीं मिलते हैं. तो वैसे वैसे हम लोग जा करके काशी का मंदिर देखेंगे पुराने पुराने. उसके बाद हम यहाँ के लोकल स्ट्रीट फूड को इंजॉय करेंगे. ओके, तो हमारे साथ अमन है. अमन हमें अभी यही बता रहे थे कि यहाँ पर जो मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पर लोग अपनी डेथ होने के बाद बॉडी लेकर आते हैं और अंतिम संस्कार जो भी होता है वो यहाँ पर बहुत लोग करते हैं, जो कि 24 घंटे चलता रहता है यहाँ पे. मतलब वो कभी भी नहीं रुकता हमारे में, क्योंकि मुझे मैं रायपुर से हूँ, मतलब हम गुजराती है, तो हमारे में शाम के बाद बोलते थे अंतिम संस्कार नहीं करते, पर ये कह रहे हैं यहाँ पर डेथ को भी सेलिब्रेट किया जाता है. और जिन लोगों की भी बॉडी यहाँ पर लाकर उसका अंतिम संस्कार होता है, देह संस्कार होता है, वो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है. और एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि वहाँ पर एक ज्वाला है, एक आग है जो निरंतर जल रही है, और उसी का फ्लेम लेकर बॉडी को जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है. तो उसमें एक और मान्यता है कि जिन कई लोगों की बॉडी बहुत जल्दी जल जाती है, जिसका फ्लेम बहुत हाई होता है, उनके आपको बहुत ज़्यादा आग जलते हुए दिखेगी. कुछ लोगों की धीरे धीरे जलती है, तो जिनकी बहुत जल्दी जल जाती है उनके कर्म अच्छे हुए होते हैं लाइफ में, और जिन लोगों की थोड़ी धीरे धीरे जलती है उनके बहुत बुरे कर्म होते हैं. तो धीरे 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 करके जलते, पर यहाँ पर हर किसी को जिनका भी अंतिम संस्कार यहाँ होता है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है. और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है अराउंड वाराणसी. वाराणसी एक लिविंग ओल्डेस्ट लिविंग टाउन इन द वर्ल्ड है, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड है, जिसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं आराम से इत्मीनान से दोबारा आना चाहूँगी. पर अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ. ये ट्रिप हमारा आज आखिरी दिन था, और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं. होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को. विल सी यू विद अनदर वीडियो from another destination. Till then, tata, bye bye, namaste.